हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना दपीट हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया की। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा और आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो अब बारी आती है यू बैक्टीरिया की। तो बच्चों, जैसे कि हमको पता है कि किंगडम मोनेरा जो है उसके दो मुख्य सदस्य हैं, या हम कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा को मुख्य रूप से जो फर्दर डिवाइड किया गया है वो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आते हैं यू बैक्टीरिया पर। तो हम थोड़ा कहानी के फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो और आपको याद रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है बच्चों कि जो किंगडम मोनेरा है, कौन सा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा को दो राज्यों में बांटा गया, ठीक है? किसमें बांटा गया? दो राज्यों में दोबारा बांटा गया, जो इस दो साम्राज्यों में बांटा गया। पहला जो राज्य दिया गया वो आर्की बैक्टीरिया को दिया गया, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा राज्य जो दिया गया वो यू बैक्टीरिया को दिया गया, ठीक है। तो ये यू बैक्टीरिया है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यू बैक्टीरिया का जो राज्य था, तो जो यू बैक्टीरिया जो है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज थी, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ क्वालिटीज थी। पहली क्वालिटी क्या थी कि ये ट्रू बैक्टीरिया था, ठीक है। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया को हमने ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहा, ये ट्रू बैक्टीरिया था, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें रिजिड सेल वॉल थी, ठीक है, इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट थी। ये इसकी कुछ कैरेक्टर्स थे, ठीक है। क्या था? ट्रू बैक्टीरिया रिजिड सेल वॉल जो कि बनी होती थी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये मुख्य कंपाउंड था उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन। और तीसरी बात ये कि उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट था अगर वो मोटाइल था। हम कह सकते हैं कि वही यू बैक्टीरिया के सदस्य को यदि घूमने फिरने का शौक हुआ करता था तो उन्हें मोट तो घूमने फिरने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, जैसे कि हमें कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, इनको फ्लैजेला चाहिए। तो क्या था कि फ्लैजेला प्रेजेंट था, इस फॉर्म में हो सकता था, इस फॉर्म में हो सकता था, या फिर पूरा सरफेस पर प्रेजेंट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हमने बात की थी कि जो यू बैक्टीरिया साम्राज्य था उसका जो राजा था यू बैक्टीरिया, उसमें ये कैरेक्टर्स थे, ठीक है, उसमें ये कैरेक्टर्स थे। तो ये तो बात हुई यू बैक्टीरिया की। अब यू बैक्टीरिया के तीन बेटे हुए, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। दोबारा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो अब सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ यू बैक्टीरिया का ही सबसे फेमस बेटा नहीं है, बल्कि पूरे मोनेरा किंगडम का सबसे फेमस सदस्य है, पूरे मोनेरा परिवार का सबसे सबसे फेमस सदस्य है। तभी तो कहते हैं कि बैक्टीरिया इज द ओनली मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो इसलिए सबसे फेमस है, फेमस होने के कारण मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर जगह इसके चर्चे हैं, इसीलिए प्रेजेंट भी हर जगह है। चाहे इस बोर्ड पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पर अगर हम अपने हाथ की सरफेस पर सैंपल लेंगे तो वहां मिल जाएगा, आप जमीन पे देखेंगे, हर जगह मिल जाएगा। और ये इसको बड़ा एडवेंचर्स का भी शौक है, ठीक है, बड़ा एडवेंचरस है, ठीक है। कैसा बड़ा एडवेंचरस है, इसलिए हार्श एनवायरमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, डीप ओशन में भी मिल जाएगा ये आपको, ये आपको वोल्केनिक इरप्शन के पास भी मिल जाएगा। बड़ा ही एडवेंचरस है, हर जगह पाया जाएगा। इसने परिवार का बड़ा नाम रोशन किया है, बड़ा पैसा कमाया है इसने, और इसलिए इसको शौक है कि ज्यादातर हीटरोट्रॉप्स है, ठीक है। कैसे? ज्यादातर ये हीटरोट्रॉप्स है, इसलिए क्योंकि ये अपना खाना, भैया पैसा है तो अपना खाना खुद क्यों बनाएगा, कहेगा कि नौकरो तुम बनाओ, ठीक है। तो ये इस टाइप का है, और इसके बिजनेस है हर जगह, जैसे कि मतलब कर्ड फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, बेकरी में भी इसका यूज हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि इडली सांभर बन रहा है तो अभी भैया इडली बन रही है, डोसा बन रहा है, हर जगह भैया ये हर जगह है, मतलब इसका बिजनेस हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। हेल्पफुल भी है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी बड़ा मदद करता है, फार्मास्यूटिकल्स में आ गया, हर जगह इसका मतलब नाम है। और इसने क्या किया कि इसका भी एक अलग से परिवार था, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये सबसे ज्यादा फेमस है, हर जगह प्रेजेंट है, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे हम घर में देखें, डोमेस्टिक कार्यक्रम में देखें कि भैया दही जो हमारे घर में मम्मियां जमाती हैं, हम लोग जमाते हैं,
ठीक है, तो वहां पे भी इसका उपयोग हो रहा है, ढोसा इडली बनाने में भी उपयोग हो रहा है। ये तो उसके मेन कैरेक्टर्स हो गए। अब इसके परिवार के जो सदस्य थे, तो इसके भी चार बेटे थे, ठीक है। बड़ा बेटा का जो शेप था वो स्पाइरल था, तो भैया इसने अपने बड़े बेटे को नाम दे दिया कोकस, जिसकी शेप स्पाइरल थी उसका नाम दे दिया कोकस। दूसरा था रॉड शेप, पहला स्पाइरल उसको नाम दिया कोकस, दूसरा था रॉड शेप उसको नाम दे दिया इसने वेसेलस। तीसरा बेटा जो था वो था कोमा शेप का, उसको नाम दे दिया बिवरियम या विब्रो, ठीक है, और कोमा शेप बिवरियम। चौथा बेटा था स्पाइरल शेप का, ठीक है, स्पाइरल शेप का उसको नाम दे दिया स्पाइरेलम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बेटों के नामकरण हुए, ठीक है। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया पे। तो साइनोबैक्टीरिया को भी नाम मिला अपने परिवार का। बैक्टीरिया का तो क्या किया कि तुम हमारे पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हें तो बैक्टीरिया नाम ही दे रहे हैं, ठीक है, तुम बहुत महान हो। इसको परिवार का नाम मिला साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम सरनेम कहते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया पेड़ पौधों से बड़े इन्फ्लुएंस हो गए, जैसे हम आजकल इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते, ठीक है, एक्टर से एक्ट्रेस से सबसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी प्लांट से बड़े इन्फ्लुएंस हो गए। इन्होंने कहा कि प्लांट जब सूर्य की रोशनी में या फिर सूर्य की रोशनी में खाना बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते। इसलिए कहा हम तो ऑटोट्रॉफ बनेंगे, ये सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, ये ऑटोट्रॉफ बन गए। इनमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता था, जो कि प्लांट में भी पाया जाता है, मतलब जो मॉलिक्यूल प्लांट में पाया जाता है वही इनमें पाया जाता था, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, मराइन में। इसने अपना घर बना लिया फ्रेश वाटर में, मराइन में, भैया दुनियादारी से दूर मराइन, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी है और कॉलोनीज की फॉर्म में भी रहता है। तो इनने कहा कि चलो ये बिजनेस में उतर आ जाए, बड़े भाई तो हर जगह उतरे हुए, हम भी कहीं उतर आते हैं, हम कॉलोनीज बनाते हैं लोगों के लिए, ठीक है, हम कॉलोनीज बनाते हैं लोगों के लिए। तो उन्होंने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, और इनकी कॉलोनीज की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो दीवारें बनाते थे, जो वॉल्स थी, वो जिलेटिनस थी और म्यूसिलेज शीट्स की बनी हुई थी, ठीक है। तो इनकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, ऑटोट्रॉफ बन गए, प्लांट से बड़े इंस्पायर्ड थे, क्लोरोफिल ए इनमें भी प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर इन्हें बड़ा पसंद है, मराइन मतलब मराइन मिल जाएंगे ये आपको, यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनी फॉर्म में भी। इनका बिजनेस क्या है, ये कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलोनीज में रहना इनको पसंद है, इसलिए कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनीज में जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो बनाते हैं जिलेटिनस और म्यूसिलेज शीट की बनी हुई होती है। अच्छा एक बात और, इसके एक सदस्य है नॉनस्टॉप और एनाबीना, इसकी फैमिली के इसके परिवार के सदस्य है नॉनस्टॉप और एनाबीना, उनमें स्पेसिफिक टाइप की हेट्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं कि जो फिक्स ये क्या करती हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसकी फिक्सेशन का काम करती हैं। तो ये जो पूरा परिवार है ना साइनोबैक्टीरिया का, ये बड़ा इको फ्रेंडली है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है, फ्रेश वाटर इसको पसंद है, लोगों के रहने के लिए घर बना रहा है, मतलब कॉलोनीज बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इसे कॉलोनीज में रहना पसंद है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। अब हम आते हैं किस पर, माइकोप्लाज्मा पर। ये बेचारा ऐसा है कि इसको इसके पिताजी ने कहा कि भैया तुम तो बिल्कुल अलग हो, हम तो तुम्हें अपना सरनेम भी नहीं दे रहे, तो इसको अलग से नाम दे दिया माइको। अब दुनिया तुम्हें जानेगी कि तुम हमारे परिवार के बेटे हो, परंतु हम तुम्हें ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि तुम्हें हम कह सकें कि तुम्हारे नाम के आगे लगा दे कि बैक्टीरिया, नहीं ऐसा नहीं। क्यों नहीं था ऐसा, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, ये दोनों इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे, जबकि ये सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा था, ये दोनों इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, परंतु माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट थी। तो इनके पिताजी ने इनसे कहा कि नहीं, तो हमारे बेटे कहलाने लायक नहीं हो। इस कारण से इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बन पाई, इस कारण से माइकोप्लाज्मा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बन पाई, और ये रह गए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब भैया गुस्से में आके कहते हैं ना कि सर्वाइव करने के लिए, जब पिताजी ने तो कह दिया कि तुम में वो लक्षण ही नहीं है जो हमारे परिवार के सदस्यों में होते, इन्होंने रहना सीख लिया स्ट्रेस में, ऑक्सीजन के बिना रहना सीख लिया,
और बोले कि दोनों बड़े भाइयों ने तो नाम बड़ा रोशन किया है पिताजी, अब मैं तुम्हारा नाम बदनाम करूंगा, मैं बनूंगा पैथोजेनिक, मैं बनूंगा पैथोजेनिक। ये बड़े इको फ्रेंडली बन रहे हैं, ये बड़े फार्मास्यूटिकल में एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, ये बड़े फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, दही बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर मैं तो पैथोजेनिक बनूंगा, मैं तो डिजीज कॉज करूंगा, बीमारियां फैलाऊंगा, तब तुम्हारा नाम बदनाम होगा, तब मेरा बदला पूरा होगा कि तुमने इन दोनों को मतलब कि व्यक्ति का सरनेम दिया, मुझे नहीं दिया। तो इस बात पे गुस्सा हो गया। तो बच्चों ये थी कहानी यू बैक्टीरिया परिवार की। एक बार से कोई रिवीजन कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, रिजिड सेल वॉल, अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, तीन सदस्य हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ज्यादातर मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया के वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट है, और इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरुलम। ठीक है, साइनोबैक्टीरियम ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फ्रेश वाटर इनको पसंद है, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो कॉलोनीज की जो शीट्स होती हैं वो जिलेटिनस होती है, म्यूसिलेज शीट की बनी हुई होती है, क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें नॉनस्टॉप और एनाबीना प्रकार का जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें हेटरोसाइट्स प्रेजेंट होती है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, ये ऑक्सीजन के बिना रहना सीख जाता है, मतलब ऑक्सीजन के बिना इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये पैथोजेनिक होते हैं, ज्यादातर मेंबर जो होते हैं इसके वो पैथोजेनिक होते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।